आप सोशल वर्क करते, कभी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि लोग आपसे कहते क्या फालतू समय बैठ के ये सब कर रहे हो, आप एक अधिकारी हो, आप आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, इन सब चीजों में नहीं, सिर्फ काम करो, घर जाओ, फैमिली देखो। सब आपके जो हॉबीज है उसको आप कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उसके लिए टाइम निकालते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, बहुत से लोग जिन लोगों के शौक इस तरह के हैं जो इमोरल हैं या इलीगल हैं, वो लोग उन शौकों के लिए समय निकाल लेते हैं। हम अगर समाज के लिए समय निकालते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन सर जैसे आजकल ISPCS को लेके एक हब बना हुआ है, दिल्ली में भी ये हुआ था, ये दिल्ली में भी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो ISPCS के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चे पैसे लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। जो हमारा सरकारी काम है वो काम हमारे उस PR वर्क से, जो PR वर्क पब्लिक रिलेशन वर्क है उसमें हम समय देते हैं, वो एक हमारा लौट करके आता है, हमारा काम आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया बाजपे और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो IPS IAS बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स को बताने में संकोच पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो अपना करियर कैसे ऑप्ट करें, क्या करें और कैसे निकट भविष्य में वो इस चीज में आ गया। आज हमारे साथ एक ऐसे ही ऑफिसर मौजूद हैं, IPS डॉक्टर BP अशोक, जो इस वक्त राजधानी लखनऊ के इंदिरा भवन में पोस्टेड हैं। सर तमाम तरीके के योगदान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने समाज में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए उनको तमाम अवार्ड्स भी मिले हैं। एक ऐसा ही इनका एक योगदान है सामाजिक कार्य में, वो है अधिवक्ता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अधिवक्ता में वो क्यों आगे आए, सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने काफी लोगों को प्रोत्साहन किया। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर BP अशोक जी से और जानेंगे वो किस तरीके से इस पूरे सफर को बयां करते हैं। और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर सबसे पहला सवाल यही है कि आप उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आते हैं, किस तरीके से आप इस सफर में आगे आए और IPS ही क्यों बनने का सोचा? हम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और एक गाँव से आते हैं, वहाँ छोटा सा गाँव है सराय और स्याना हमारे कस्बे का नाम है। फादर हमारे वहीं से निकले थे और वो खुद भी पुलिस अफसर थे। वर्दी से बहुत बड़ा अटैचमेंट रहा मेरे फादर को भी और मुझे भी, और बचपन से ही सोचते थे कि हम पुलिस अफसर ही बन पाएंगे। वर्दी से लगा तो ऐसे, और एक दिन ऐसा आया कि हम पुलिस अधिकारी बने और उसके द्वारा समाज की सेवा की। उससे इंटरव्यू पूछा गया था कि आप पुलिस में ही क्यों जाना चाहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि पुलिस मौके पर इमीडिएट रिलीफ दिलाती है। कई बार ऐसा होता है कि मुकदमा करने पर, जांच करने में समय लगता है और बहुत मुश्किल से वो चीजें हल हो पाती हैं, चाहे छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब पुलिस का एक सिपाही समय से मौके पहुंच जाता है तो कई बार उसका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर लेता है, और अगर वो हल ना हो पाए तो वो चीजें बहुत बड़ा एक घटना का रूप ले लेता है। सर हमेशा देखा गया है कि पुलिस के लिए कहा जाता है बड़ी रफ एंड टफ होती है, लेकिन आपने जितना भी समाज के लिए काम किया है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है, तो क्यों आप समाज के लिए इतना आगे आते हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है जो IPS होते हैं वो अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो इन सारी चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिये, हम लोग पूरी तरह से जिस देश के रहने वाले हैं ये मान के चलते हैं कि हमारा समाज, बहुत से लोग समाज में कमजोर वर्ग के लोग भी हैं, गरीब भी हैं और देहात क्षेत्र के लोग भी हैं, और सरकारी अमले में लगातार ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके ऊपर ये शिकायत रहती है कि वो लोगों की बात नहीं सुनते, लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करते। इसमें मैं आपको जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं मेरे सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक ने पूरे देश के अंदर अभिलेख लगवाए थे और अपने जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्हें ये आदेश दिया था कि जनता की समस्याओं को सुनते समय और उन्हें हल करते समय कभी भी थकान का या रूखेपन का एहसास ना दिलाए। और सम्राट अशोक ने यह भी लिखा कि मुझे लगातार उनकी समस्याओं को सुनना, उसे हल करना कभी थकाता नहीं और मुझे अच्छा लगता है। और इसको मैंने अजमा करके देखा कि चाहे फोन सुबह आता हो, चाहे शाम को, चाहे रात को कभी हो, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ कहीं भी, जब भी मैं जिले में पोस्टेड रहा और मुझे कोई भी सूचना मिली तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरी नींद कम रह गई, कभी ये नहीं लगा कि मैं खाना नहीं खा पाया, कभी ये नहीं लगा मुझे दोस्तों के साथ जाना था, परिवार के साथ जाना था। मुझे बहुत बार चाहे पर्व हो, चाहे कोई शादी ब्याह छोड़ने पड़े, लेकिन हम लोग ये संतुष्ट होते थे कि हम औरों का जो काम है उसको हम सफल बना रहे हैं। मान लो और अपने त्योहार मना रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और अपने फंक्शन कर रहे हैं, हम उसको ठीक करा रहे हैं, हम फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं, तो एक संतोष वहां भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि रात के 1:30 बजे फोन आया, वो
डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी अभी भी ऐसा होता है कई बार हम लोग इनडायरेक्टली अपने लिंक से अपने बैचमेट से और लोगों को कई बार ऐसा होता है कि उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग संस्कृत कर देते हैं या उनको कभी लिख दिया कभी फोन कर दिया तो समाज को बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है इस बात का कि हमारी कोई ना कोई बात सुन लेगा और जो हमारा सरकारी काम है वो काम हमारे उस पी आर वर्क से जो पी आर वर्क पब्लिक रिलेशन वर्क है उसमें हम समय देते हैं वो एक हमारा लौट करके आता है हमारा काम आसान हो जाता है जो सरकारी काम है जो अपेक्षाएं होती हैं वो अपेक्षाएं और अच्छी तरह से जाती हैं अगर हमारी जान पहचान समाज के अंदर बीच में कई बार जाम लगा होता था कई बार रैली निकल रही होती थी आमना सामना हो रहा होता था लेकिन मैंने ये देखा जो हम रोज लोगों से ठीक से मिलते थे सामाजिक रूप से इन्वॉल्व रहते थे उनके से जान पहचान बढ़ाते थे उनका सम्मान करते थे उनके जो प्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी भी तरह के प्रतिनिधि हों सामाजिक हों आर्थिक हों व्यापार मंडल वाले हों चाहे राजनीतिक हों उनका जो सम्मान करते थे तो एक अच्छा खासा उनसे संपर्क एक संबंध बन जाता था और वो आगे बढ़ करके उस समस्या को हल करने में हमारा साथ देते थे जिस समस्या को हम अकेले अगर हल कर पाते तो हमें शायद लाठी चलानी पड़ती कई बार हमें गोली चलानी पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर में तो हमने ये प्रयास किया कि कम से कम यूज ऑफ फोर्स किया जाए अधिक से अधिक पब्लिक रिलेशंस बना करके हल किया मैं आगरा लखनऊ और मेरठ सभी चैलेंजिंग जगह पर रहा और वहां ऐसा हुआ ऐसा नहीं कि बल प्रयोग ना किया बल प्रयोग भी बहुत किया लेकिन वो तब किया जब कोई और रिजॉर्ट ना रह गया आप सोशल वर्क करते कभी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि लोग आपसे कहते क्या फालतू समय बैठ के ये सब कर रहे हो आप एक अधिकारी हो आप आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो इन सब चीजों में नहीं सिर्फ काम करो घर जाओ और फैमिली देखो कि ऐसे लोग भी आसपास कभी ऐसे मिले जो डीमोटिवेट करते थे इन सब चीजों के लिए मैं तो ये कहता हूँ बहुत से लोग जिन लोगों के शौक इस तरह के हैं जो इमोरल हैं या इलीगल हैं वो लोग उन शौकों के लिए समय निकाल लेते हैं हम अगर समाज के लिए समय निकालते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव है अगर समाज मजबूत होता है कंस्ट्रक्टिव होता है हमारे इलाके के लोग बाग अपनी समस्या को हल करवा करके हमारे माध्यम से अगर वो मजबूती का एहसास करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये संतुष्टि भी मिलती है और उसके आधार पर हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और वो एक आनंद का उद्रेक भी होता है उससे आप परिवार के साथ हैं उसको भी समय दिया परिवार को भी हम समय देते हैं समाज को भी देते हैं सारी चीज मैनेज किया सकते हैं क्या स्ट्रगल आपने फेस किया आईपीएस बनने के दौरान ट्रेनिंग में या फिर आप जब एग्जाम दिया होगा इंटरव्यू राउंड होता है तमाम सारे स्ट्रगल्स होते हैं पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि एज बढ़ रही है नौकरी नहीं मिल रही है जैसे आज के युवा जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं 32 साल जो है वो एज है आईपीएस की कुछ ऐसे युवा है जो एग्जैक्ट 30 में आके आईपीएस बनते हैं तो बड़ा ज्यादा फैमिली प्रेशर झेलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्या तो वो बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पालने में दिख जाता है कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा तो क्या विजन है आपका इसको देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं बुद्ध ने कहा है यू आर व्हाट यू हैव मेड अप योर सेल्फ और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लो एम इज क्राइम जो छोटा उद्देश्य होता है वो एक अपराध की तरह है उद्देश्य अपना बड़ा रखिए और प्लान ए के साथ बी भी रखिए जहां तक बात यह है कि आप कभी डिमोरलाइज फील करें तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से लाइफ में और अपना खेल भी है आपको खेल खेलना व्यायाम करने में और अपनी सामाजिकता को बनाए रखिए लोगों से सीखिए सिखाते रहिए और भी साहित्य पढ़िए तो मेरे पास सिंधी लिटरेचर भी था और कभी कभी जब होता था थोड़ा सा उदासी आई निराशा सी हुई तो हिंदी लिटरेचर में बहुत सी कविताएं हैं बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी होते थे जो आई इसमें आते भी थे पीसीएस में भी आते थे तो उनको हम पढ़ते थे और बड़ा अच्छा लगता था उनको उच्चारण करके और ट्रेनिंग में भी कई बार ऐसा होता था कि ट्रेनिंग में सुबह उठना पड़ता था 4 बजे और काफी बड़ा बैच था हम लोगों का उसमें कभी कभी ये लगता था पता नहीं कब होगी तो हम लोगों ने कैलेंडर बना रखा था एक पीरियड खत्म हुआ तो ये लगता था इतने पीरियड में से एक पीरियड खत्म हुआ बड़ी खुशी होती थी एक पीरियड हो गया फिर हम लोग शेर व शायरी की किताबें खरीद के लाए किसी को शेर व शायरी आती तो थी नहीं तो हम लोग एक दूसरे को शेर पढ़ के सुनाया करते थे जो पार्टनर्स थे हमारे तो ऐसे ही टाइम पर जाता पता नहीं पड़ता कि ट्रेनिंग कब खत्म हो गई और पता नहीं पड़ता कौन सा पोस्टिंग कहाँ कितनी जगह ट्रांसफर हो गया लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए आपके ट्रांसफर हों अगले दिन चल दीजिए हो खराब हो कोई ना रुकवाने का प्रयास करिए ना कुछ और करिए प्रयास आप जहां भी हैं
जिस भी जगह है वहाँ अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। मैं जो भी साइड पोस्टिंग में रहा तो साहित्य सृजन में लगा रहा या कहीं लेक्चर देने में, कहीं ना कहीं अपने जो सर्विस कंडक्ट रूल्स है उसका ध्यान रखते हुए हम हमेशा अपने लेकर साहित्य कार्य भी किया, घूमना भी किया, एनओसी लेकर भी विदेश भी जाते थे और वहाँ भी लेक्चर दिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी लेक्चर देकर के आए और अमेरिका भी गए, वहाँ भी लेक्चर दिया। विदेश यात्राओं के दौरान बहुत बड़ा इंटरेक्शन ट्रांसलेट किया। तो निश्चित रूप से आप लगातार कुछ ना कुछ करिए, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, अपने सराउंडिंग्स को ठीक करिए, वहाँ के काम को ऐड करिए जहाँ भी हैं आप अपने घर में हैं, नई पोस्टिंग पर हैं, नए शहर में, वहाँ नई चीज़ों का उनका अध्ययन करिए, तो वहाँ क्या आवश्यकता है, सर्विस कंडीशन को भी देखिए, वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, समाज क्या है। निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ वहाँ एडिशन ऐसा कर जाएंगे कि लोग ये कहेंगे हाँ आपको एक नायक की तरह से माने रखते, ये नहीं कि आपकी उपस्थिति को ये मानेंगे, आप अनुपस्थित होंगे तब भी लोग ये कहेंगे कि अगर वो होता तो ऐसा करता, अगर अनुपस्थित भी हैं आप तब भी लोग याद करेंगे, और ऐसा मैंने महसूस किया। आपकी जो हॉबीज है उसको आप कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उसके लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों का चाहे फेस्टिवल हो, कोई भी चीज हो, पूरे लखनऊ में कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, आप लोग ऐसे प्रोफाइल पे आप लोग को तुरंत दौड़ना पड़ता है, ना खाने का समय, ना सोने का, ना उठने का, पर फिर भी हॉबी के लिए अपने आपको काम रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जो अपराधी होते हैं वो गलत काम करने का बहाना ढूंढते नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह से जो मेहनती है, जो पॉजिटिव सोचते हैं, वो भी एक जिगजैग पथ ढूंढ लेते हैं, का वो बहाना ढूंढ लेते हैं तुम्हें, और वो सफल हो जाते हैं। ये बात जरूर है कि एक पर्सनल लाइफ से टाइम काट करके आपको और फैमिली लाइफ से टाइम काट सोसाइटी को देना होगा, लेकिन जो सोसाइटी को आपने टाइम दिया वो जो प्रेशर होता है आपका काम, जो प्रोफेशनल प्रेशर होता है वो भी कम होता है, और ये इम्प्रेशन जाता है लोगों में कि इससे बेहतर कोई दूसरा समस्या हल नहीं कर सकता, तो उससे लाभ भी होता है। हमारा समय जाता जरूर है लेकिन वो समय हमें वापस मिल जाता है। जो लोग चार घंटे में समस्या हल कर पाते हैं, हम उस सोशल वर्क की वजह से उन घटनाओं को 5 मिनट में हल कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ, पुलिस प्रमुख का फोन आया कि सहारनपुर में एक घटना हुई है और आपको तुरंत जाना है, मैं डिप्टी पोस्टिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, और मैंने ये नहीं कहा कि मैं जिले में पोस्टेड नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग विभाग में हूँ, मेरा काम ये नहीं है, क्योंकि मेरे बॉस हैं, मैं गया और जो उनकी अपेक्षा थी मैंने वो की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फील्ड में पोस्टेड हूँ। सर आप लोगों को लेकिन किसी भी अधिकारी को लेकिन धारणा होती है कि घर में अगर उनके कोई कुछ भी मैटर है तो वो एकदम से जा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरे एम्प्लॉयज है वो नहीं जाते, क्या ये जो मानसिकता लोगों ने बना रखी है, पुलिस अफसर हो गए या आईएएस हो गए, किसी के लिए भी, किसी भी ऊपर लेवल के लिए, तो क्या ये धारणा सही है कि आप लोग के घर में काम है, आपको समाज में कहीं भी जाना है तो आप अपनी नौकरी को साइड में रख के आगे जा सकते हैं, लेकिन जो छोटे एम्प्लॉयज है वो नहीं जा सकते? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सर्विस कंडक्ट रूल्स का ध्यान रखिए, कभी कोई संविधान के खिलाफ बात मत करिए, राजनीति की बात मत करिए, अपने स्वार्थ की, भ्रष्टाचार की बात मत करिए। अगर आप कोई शैक्षिक बात कर रहे हैं, सुधारात्मक बात कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, संविधान में जो कर्तव्य हैं उनको अच्छा करने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अगर इन टॉपिक्स पर हमने कहीं बोला है या कहीं बात की है तो निश्चित रूप से कभी भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, और नीचे वाले हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारे सिपाही के स्तर पर भी, यहाँ तक कि फॉलोअर्स को भी देखा है, वो कला के क्षेत्र में काफी आगे निकल गए और कई लोग कविता बनाने लगे, कई लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, और ऐसा नहीं जिनको शौक होता है उसे पूरा करने का समय मिलता है। हाँ दिक्कतें आती हैं निश्चित रूप से, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिमोरलाइज करेंगे या आपसे सोचेंगे आपके बारे में कुछ और, तो वो उनको तो अवॉइड करना पड़ेगा। ये अवॉइडेंस कैसे आजकल युवा सीखे, क्योंकि आप लोगों का कोई अरसा बीत चुका है, आज का युवा जो है वो इम्पेशेंट है, वो जल्द से जल्द जो अपेक्षाएं हैं, जो सरकारी अपेक्षाएं हैं, व्यवसाय की अपेक्षाएं, उनको तो पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा करिए, उसके अलावा कुछ ना कुछ समय बचता है, ऐसा नहीं रोज ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे काम किसी भी विभाग में, किसी किसी दिन ऐसा होता है, लेकिन हम जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी हैं,
हमारे पास खासतौर से जब से मोबाइल फोन आया है, लैपटॉप आया, ये हमारे पास हमेशा रहता है। अगर कोई विचार आया तो उस पर लिख लेते हैं, मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं। कोई आर्टिकल है, कई बार यात्रा करते समय लिख लिया, सोचते समय हमने अपनी चीजें लिख ली, तो उससे काफी सुविधाएं मिलती है। जो नए वेब्स हैं अपने अपना हम टाइम भी ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उसमें रात भर के कहाँ जाना है कहाँ भी ठीक कर पाते हैं। तो नई जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का भी हम लोग लाभ लेते हैं। तो जो बच्चे आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्या जाता है कि आप कोचिंग चाहिए, आप कोचिंग में 10-10 घंटे दीजिए, 20-20 घंटे दीजिए, ये पढ़ाई का मॉड्यूलेशन कैसे करें, और ये जो पीयर प्रेशर है और पेरेंट्स का प्रेशर है, इससे बच्चे आजकल की कैसे डील करें? देखिए मैं आपको उदाहरण दे दूंगी बहुत अच्छा। मेरा बेटा IIT कर रहा है, वो जो पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में, वो रात को एक दिन 1 बजे आया, मुझे पापा नींद नहीं आ रही। तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्यों नींद नहीं आ रही, चलो मुझे प्रेशर हो रहा है, मेरे नंबर कम ना आए, पिछली बार तो मेरे टेस्ट में 100% नंबर थे। तो मैंने उसको कहा, तुम टेंशन में क्यों हो? लेकिन बोले, अगर मेरा नंबर 1 भी कम आ गया तो मुझे खराब लगेगा। मैंने, क्यों खराब लगेगा? मैं तुम्हें ये छूट दे रहा हूँ, तुम्हारे नंबर चाहे कम आए, चाहे सबसे कम आए, चाहे तुम फेल हो जाओ, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, आज भी और कल भी रहोगे। मेरे लिए तुम्हारी लाइफ बड़ी चीज है। बोला, मम्मी कुछ कहेंगे? मैंने, मम्मी भी कुछ नहीं कहेंगे, मम्मी भी पढ़ी थी भाई। तो वो थोड़ी देर में सो गया, अच्छे नंबर आए उसने और खुश था। लेकिन जो परफेक्शनिज्म है, लोग बाग ये सोचें कि सबके बेटे से अच्छा मेरा बेटा हो, सबकी बेटी से अच्छी मेरी बेटी हो, ये परफेक्शनिज्म लोगों को, बच्चों को, बचपन को खराब करता है। उनको ये जरूर बताइए कि लाइफ वो किसी भी कैरियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस चक्कर में बच्चे बीमार हो जाए पड़ोसी से या किसी अपने दोस्त से या रिश्तेदार से कंपटीशन में, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं साथ अन्याय कर रहे हैं। हर तरह के आदमी को जीने का अधिकार है, और बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर IPS बन करके ही जीवन चलेगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं। मैं एक ऐसे सिपाही को जानता हूँ, जिस सिपाही को रामपुर में था, वो नथु सिंह, उस सिपाही की कार्यशैली ऐसी थी, तो उसको अगर ड्यूटी से हटा दिया गया तो पूरे रामपुर में जाम लग जाता, बस सो पॉपुलर। वो वहां के लिए जनता में उसकी इतनी पूछ थी, ड्यूटी के पीछे वो इतना वो था सराफा बाजार में, जब तक रहा वो उसने 3-4 साल कोई चोरी नहीं होने दी, और कभी वो छुट्टी वगैरह चला जाता था मान लो 1-2 महीने, तो उस बीच में घटना हो जाएगा। मैंने उसको कोहरे में भी ड्यूटी देते देखा। तो पहचान बनानी है अगर आपको है, तो अपने जीवन को अर्थपूर्ण आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि कंपटीशन में टॉप ही दिया जाए, वो हो सकता है आप आपकी अगर इच्छा है तो वो IAS ना बने, PCS बने, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बन गया, बहुत सी लाइफ में। लेकिन सर जैसे आजकल IAS PCS को लेकर एक हब बना हुआ है, दिल्ली में भी ये हुआ था, ये दिल्ली में भी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो IAS PCS के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चे पैसे लगा रहे पढ़ रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। क्या उनका विजन क्लियर नहीं है, या वो सिर्फ एक रुतबा देके IAS PCS में आना चाहते हैं? हाँ मेरे 90% है, मैं IAS बन सकता हूँ, मेरे 60 है, मैं नहीं बन सकता। देखिए कंपटीशन एक ऐसी चीज है कि लोकतंत्र में कंपटीशन की कोई सीमा नहीं निर्धारित हो सकती कि 90% वाला लड़ेगा या 33% वाला लड़ेगा, ये सबको अधिकार है। लेकिन कई बीच में फिल्में भी आई हैं इस तरह की, और उस चक्कर में कि हमको IAS टॉप ही करना है, IAS ही बनना है, उसमें कभी भी जीवन को या अपनी खुशी को खराब नहीं करना चाहिए। इसके लिए माँ बाप को भी और जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए आप, इस अकेले IAS और अकेले PCS बनने के लिए या अकेले सरकारी नौकरी के लिए आप अपना अपनी लाइफ को खराब मत करो, ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्शनिज्म कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो कैरियर करके बना के क्या करेंगे? उसके लिए मान लो आप बीमार हो गए, आपने इतना समझौता कर लिया, कई लोग बच्चे हैं जो ऐसी जगह रहे दिल्ली में जो उनकी जान चली गई, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जब कई बार शिकायत करते हैं दिल्ली में ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है, हम उनको वापस बुला लेते हैं, आ जाइए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ IPS ऑफिसर डॉक्टर BP अशोक जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि आपको अपने सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और निकट भविष्य में आपको कुछ हासिल करना है तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी चीजों को प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ घर पे माँ बाप को भी आपका योगदान देना चाहिए, घर की परिस्थितियां हो या फिर घर का एनवायरमेंट हो, पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। जिंदगी में भागने से कोई भी मुकाम हासिल नहीं होता।
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही देखते रहिए क्योंकि हम आपको ऐसे ही तमाम पर्सनालिटीज से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।